इन दिस दे सेट टू वॉट मीटर मेथड इज यूज्ड टू मेजर द टोटल पावर थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड. इसका कोई रोल नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा में दिया हुआ है. वन ऑफ द वॉट मीटर शोज अ रीडिंग ऑफ 1860 वॉट मीन्स डब्ल्यू वन वैल्यू इज 1860 वॉट एंड द पॉइंटर ऑफ द सेकेंड वॉट मीटर गोज बिलो जीरो. मतलब जब सेकेंड वॉट मीटर है डब्ल्यू टू वो इस साइड जा रहा है. जैसे तुमने देखा होगा ना कि कभी लैब में गए होगे, कुछ भी रीडिंग ले रहे हो, तो यहाँ पे अगर ज़ीरो है और अगर पॉइंटर तुम्हारा ज़ीरो से इधर जा रहा है तो इट मीन्स कि तुमने कनेक्शन क्या कर रखे हैं, रिवर्स कर रखे हैं. हुआ है कभी ऐसा? वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हो, एमीटर यूज़ कर रहे हो, वॉट मीटर यूज़ कर रहे हो, कि जब भी हम कनेक्शन उल्टा कर देते, लाइक सपोज मेरी रीडिंग आनी चाहिए थी 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर वो 2 एम्पियर पे ना आके ना वो इस साइड आ जाता है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, तुमने कनेक्शन जो है उल्टे कर रखे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कर रखा है. लैब में करके देखा होगा. तो इसका मतलब कि डब्लू टू की इस तुमने कनेक्शन क्या कर दिया, उल्टे. व्हेन द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द सेकेंड वॉट मीटर इज रिवर्स्ड, तो जब तुमने जो कनेक्शन उल्टे करे थे उसको रिवर्स कर दिया, मतलब उसको अब क्या कर दिया, सही कर दिया, तो डब्लू टू की रीडिंग कितनी आएगी, 320. तो इसको क्या तुम अब माइनस लोगे तुम्हारे अकॉर्डिंग? अब तो तुमने सही कर दिया, एग्जैक्टली पहले गलत लगाया था, तो इट मीन्स कि ये प्लस में ही आएगा. नहीं, वो कई बार कनेक्शन जब रिवर्स होते तो हम उसे नेगेटिव में लेते हैं. जब भी ये बोलते हैं ना कि कनेक्शन रिवर्स कर दिए तो वो हम नेगेटिव में लेते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने एक पहले स्टेटमेंट बोल दी कि पहले तो उन्होंने उल्टा लगाया फिर रिवर्स कर दिया, मतलब ठीक कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना. 80% बच्चा यहाँ पे नेगेटिव ले लेता है कि रिवर्स देखता है नेगेटिव आ जाएगा, रिवर्स नहीं आएगा, ठीक है. अब इन्होंने पूछा हुआ है टोटल पावर कंज्यूम, टोटल पावर कंज्यूम्ड इज डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू. पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया था, दैट इज कॉस फाइ इज इक्वल टू कॉस ऑफ टैन इनवर्स रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू. वैल्यूज पुट कर देना. इसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, इम्पिडेंस पर फेज इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 400 वोल्ट. इम्पिडेंस मतलब जेड निकालना है, वो बताओ कैसे निकालो. एक पावर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई. तो पावर मतलब टोटल पावर कंज्यूम पता है, रूट थ्री पता है, सप्लाई वोल्टेज लाइन वोल्टेज इज 400, कॉस फाई तुमने निकाल लिया था, आई एल आ जाएगा. अब ये तुम्हें बोला हुआ है वी एल, तो तुम्हें 400 गिवन है, आई एल निकालना है, कॉस फाई भी तुम्हारे पास सेकेंड पार्ट से आ जाएगा, रूट थ्री भी पता है, पावर तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट से आ जाएगा, आई एल आ गया. स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, इक्वल होती है, तो हमें क्या निकालना है, इम्पिडेंस. तो इम्पिडेंस का क्या फॉर्मूला होगा, वी पी एच इज इक्वल टू आई पी एच मल्टीप्लाइड बाई जेड पी एच. वी एल पता है तो वी पी एच आ जाएगा, वी एल बाई रूट थ्री मीन्स 400 बाई रूट थ्री, आई एल आई पी एच के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमारे पास जेड पी एच आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैलेंस्ड थ्री फेज वाला, राइट इसमें क्या दिक्कत. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सेम तुम्हारे 2018 के पेपर का है. अ बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड इज फेड फ्रॉम अ 400 वोल्ट, वी एल इज इक्वल टू 400, फ्रिक्वेंसी दे हैव गिवन एज 50 हर्ट्स, करंट पर फेज मतलब कौन सी करंट दी हुई है, आई पी एच इज 25 एम्पियर लैगिंग, एंड एक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड, एक्टिव पावर गिवन है, पी कितनी वैल्यू दी हुई है, 13.856 किलो वॉट. डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द लोड पर फेज, तो तुम्हारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वी पी एच इज इक्वल टू आई पी एच मल्टीप्लाइड बाई जेड पी एच. लैगिंग का मतलब, इसका मतलब होता है कि करंट तुम्हारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. और करंट लैग किसके केस में करता है, इंडक्टर के केस में करता है या फिर कैपेसिटर के केस में करता है. इंडक्टर के केस में करंट हमेशा क्या करता है, लैग करता है. तो यहाँ से तुम्हारा जेड पी एच आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारे पास
इम्पिडेंस एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी, राइट। एंगल निकालना पड़ेगा तुम्हें। एंगल कैसे निकालोगे? कॉस फाई से, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो पावर से तुम्हारा निकलेगा। पावर इज इक्वल टू √3 VL IL कॉस फाई। पावर पता है, √3 पता है, VL पता है, IL पता है, कॉस फाई आ जाएगा। कॉस फाई से तुम्हारे पास फाई आ जाएगा कॉस इनवर्स करके, तो वो तुम्हारा फाई एंगल होगा। ओके, ये तुम्हारा किस फॉर्म में है? पोलर फॉर्म में है। पोलर फॉर्म से तुम किस में कन्वर्ट करोगे? रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इंडक्टर करंट लैग कर रहा है। करंट लैग किस केस में करता है? इंडक्टर के केस में करता है। तो यहाँ पे हमेशा देखना इंडक्टर के केस में क्या आता है, R+jXL। अगर तुम्हारा माइनस आया है, इट मीन्स तुम्हारा आंसर में कुछ गड़बड़ है। तो ये बताने के लिए, इन्होंने नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये बताने के लिए दिया हुआ है कि ये बेसिकली कौन सा केस है, आर और एल का केस है। ठीक है, आर भी है और एल भी है। रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर तुम अब निकाल सकते हो, राइट। इस क्वेश्चन में देखो, सिमेट्रिकल 400 वोल्ट 50 हर्ट्स, तो VL वही 400 है, अनबैलेंस है ये। द लोड इम्पिडेंस आर 100 ओम बिटवीन आर एंड वाई, तो बेसिकली जेड आर वाई इज हाउ मच? 100 ओम। ठीक है, 318 mH बिटवीन वाई एंड बी, तो जेड आर वाई के बाद वाई बी सिक्वेंस आती है, तो जे एक्स एल निकालना, वो हेनरी दिया हुआ है, तो जे इंटू 2π × f × L। एल इज 318 × 10⁻³। देन जेड बी आर इज हाउ मच? दैट इज 31 बाय एक्स ही होता है ना, जेड सी, तो 1 बाय एक्स सी, एक्स सी इज 1/2π fc। ठीक है, तो जे पता है, 2π पता है, एफ पता है, ये जे को ऊपर ले जाना तो ये माइनस में हो जाएगा। जे को ऊपर जरूर लेके जाना, डिनोमिनेटर में जे को नहीं रखते, तो वो हो जाएगा तुम्हारा -j/2π fc। ठीक है, तो जेड आर वाई आगे कौन सा कनेक्शन है? ये स्टार है, डेल्टा है? डेल्टा है, तो डेल्टा के केस में VL इज इक्वल टू VPH, तो VRY इज इक्वल टू IRY इंटू ZRY। वोल्टेज इज गिवन, वोल्टेज कितनी दी हुई है? 400 वोल्ट। तो वोल्टेज इज पहला एंगल जीरो, एक मिनट, पहला एंगल जीरो, जेड आर वाई तुम्हें पता है सिर्फ 100 है, राइट। फिर वी वाई बी इज इक्वल टू IYB × ZYB, तो 400 एंगल -120 J × 2π fl। फिर वी बी आर इज इक्वल टू IBR × ZBR, तो 400 एंगल +120। +120 ले लो या फिर -240 ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो एंगल इज जो भी है J2π fc। नेक्स्ट पार्ट में दे सेट करंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगी वो कौन सी करंट आएगी? IRY, IYB एंड IBR, फेस करंट आएगी। फेस करंट से हमें लाइन करंट निकालनी है। IR अनबैलेंस है ये, IR इज इक्वल टू आर वाई बी की सीक्वेंस है ना, वो फॉर्मूला तुम्हारी हैंडबुक में गिवन है, आर के बाद वाई, बी के बाद वापस आर। आई वाई का क्या हो जाएगा? IYB- और आई बी का क्या हो जाएगा? IBR-, तो यू कैन गेट IR, IY, IB, दीज आर द लाइन करंट। यहाँ तक मत छोड़ना, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। देन बस यही पूछा हुआ है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रेजोनेंस, राइट। तो रेजोनेंस से रिलेटेड मैं सबसे पहले आई टेल यू द फॉर्मलेस, ऑल फॉर्मलेस, ओके। तो रेजोनेंस में एज आई टोल्ड यू कि XL इज इक्वल टू XC आता है, राइट, एंड देन विल हैव Z इज इक्वल टू R, देन विल हैव रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC, FR इज इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, और इसमें क्या पूछते हैं? दैट इज क्वालिटी फैक्टर, दैट इज डिनोटेड बाय क्यू फैक्टर बोलो या फिर क्वालिटी फैक्टर बोलो, वन एंड द सेम थिंग।
इसका फॉर्मूला होता है 1/r√L/c। ओके, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का, दैट इज XL/r। XL का तुम्हें पता है दैट इज 2πfL। अब यहाँ पे नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ना होके कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी, करेक्ट। तो क्वालिटी फैक्टर का ये एक और फॉर्मूला है। वन अनदर फॉर्मूला रिलेटेड टू द क्वालिटी फैक्टर, दैट इज क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ। तो अगर तुम्हारा रेजोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है देन क्वालिटी फैक्टर भी उसमें 90% चांसेस है कि इंक्लूड होगा। तो अलग अलग चीज़ें दी हुई होती है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूलेस भी यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट विल हैव द फॉर्मूला फॉर द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज डिनोटेड बाय BW, दैट इज W2 - W1, वेयर W1 इज द लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी एंड W2 इज द अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, W2 वैसे किसको बोलते हैं, जनरली हम ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं। एंड विल हैव पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, दैट इज -r/2L प्लस √r/2L का स्क्वेयर प्लस 1/LC का। देन W2 इज -r/2L -√r/2L का स्क्वेयर प्लस 1/LC। एक और फॉर्मूला है ω2 × ω1 इज इक्वल टू 1/LC एंड ω2 - ω1 इज इक्वल टू r/L। ओके, क्लियर। तो ये ω2 - ω1, यहाँ पे भी ये बैंडविड्थ के इक्वल है। तो अल्टीमेटली बैंडविड्थ किसके इक्वल हो गया, दैट इज r/L। बैंडविड्थ इज द डिफरेंस इन द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। देखो इसमें हमारे पास r दिया हुआ है, fr इज इक्वल टू 1/2π√LC, ये फॉर्मूला यूज होगा, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला इज r/L, राइट। बैंडविड्थ इज 50, आर इज 8, एल आ जाएगा, एल पता है, 2π पता है और एफ आर पता है, तो सी आ जाएगा। तो बेसिकली वी गॉट r/LC ऑल कॉम्पोनेंट। हाफ पावर फ्रिक्वेंसी मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट W1 एंड W2। तो W1 एंड W2 का मैंने फॉर्मूला बताया, इसमें पुट कर देना या यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से भी निकाल सकते हो या यहाँ से भी। ओके, नहीं, नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ। सिंगल फेज का एक टॉपिक जो तुम्हारा जनरली पूछते हैं, दैट इज नोन एज पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ओके, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, बेसिकली कॉस फाई, राइट। कॉस वाई की वैल्यू कैसे वेरी करती है, बिटवीन 0 to 1, राइट। अब देखो मैं मतलब एक स्टोरी सुनाती हूँ कि मान लो तुम्हारी फैक्ट्री है, ओके, तुम्हारी फैक्ट्री में है, ठीक है। दो टाइप्स के लोड होते हैं, एक होता है हमारा रेजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड मतलब क्या होगा, बल्ब होगा, और इंडक्टिव लोड मतलब कोई भी तुम्हारे फैक्ट्री में मोटर होंगी। ओके, जब भी मोटर या इंडक्टिव लोड आता है तो उसकी वजह से पावर फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लाइक आइडियली आइडियली पावर फैक्टर की वैल्यू, कॉस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बट जैसे ही तुम इंडक्शन मोटर यूज़ करते हो या कोई भी लोड यूज़ करते हो तो वो 1 से कम होकर मान लो कितनी हो गई, 0.3 हो गई। अब इस केस में तुम्हें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है कि तो हमने तुम्हारा पावर फैक्टर कम कर दिया। तो हर महीने या तो तुम 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करो, ठीक है, या तुम क्या सोचोगे कि यार क्यों हम गवर्नमेंट को लाख रुपए महीना दे रहे हैं, हम अपनी फैक्ट्री में ही एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिससे पावर फैक्टर क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो तुमने अपनी फैक्ट्री में एक डिवाइस लगाया फॉर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर। उस डिवाइस का क्या नाम है, सिंक्रोनस कंडेंसर, जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो अब तुम्हारी
फैक्ट्री में तुमने क्या करा, ये डिवाइस लगा दिया, इससे पावर फैक्टर क्या हो गया, मतलब पूरा 1 तो नहीं होगा बट तुम लगा लो तुम ये पहुंच गया 0.8 या 0.9 के आसपास पहुंच गया। तो अब भी तुम्हें गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी पड़ रही है बट वो सिर्फ 5,000 रुपये महीना देनी पड़ रही है। तो तुम क्या करोगे, पूरा 1,00,000 रुपये महीना रोज दोगे और या फिर डिवाइस लगा के अपनी पेनल्टी कम कर दोगे? तो अभी फिलहाल तुम पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए अपनी फैक्ट्री में डिवाइस लगाओगे। जैसे ही तुमने डिवाइस लगाया तुम्हारी पावर फैक्ट्री में पावर फैक्टर इम्प्रूव होके क्या हो गया, 0.8। गॉट इट, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो दिस इज टेक्निकली नोन एज कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। अब इसके लिए तुम्हें इस टाइप का एक क्वेश्चन 80% चांस होता है कि हर बार पूछते हैं मणिपाल में कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, पावर ट्राइंगल। पावर ट्राइंगल में बेस में क्या होता है, एक्टिव पावर, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टिव पावर, और यहाँ पे क्या होता है, एपरेंट पावर। तो दो चीज़ें होंगी, एक पावर ट्राइंगल तुम्हारा बनेगा विदाउट इम्प्रूवमेंट कि तुम्हारी अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, और एक पावर ट्राइंगल बनेगा तुम्हारा विद इम्प्रूवमेंट कि पावर फैक्टर अब इम्प्रूव हो गया। दोनों के ही केसेस में एक्टिव पावर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मान लो इस केस में कॉस फाई कितना दिया हुआ है, 0.3 था, इम्प्रूव होके अब कॉस फाई कितना हो गया, 0.8 हो गया। गॉट इट? अगर तुम्हें पी पता है, कॉस फाई पता है, तो एस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस फाई का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय एस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? अगर तुम्हें एस पता है, पी पता है, तो क्यू आ जाएगा। हाँ, एस पता है, पी पता है, क्यू आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाओ, इसका भी तुम्हें पावर फैक्टर पता है, पी पता है, तो एस आ जाएगा, राइट? पी मैंने बताया हमेशा सेम होता है दोनों का, एस पता है तो फिर से क्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा Q1, एक आ जाएगा Q2। तो तुम्हें क्या निकालना होगा, क्यू न्यू कितना होगा, Q1 माइनस Q2। ओके, तो Q1 पता है, Q2 पता है, तुम्हारे पास क्यू न्यू आ जाएगा। अब क्यू न्यू का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज वी स्क्वेयर बाय एक्स सी। ये देखो फॉर्मूला कहाँ से आया, एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला पावर का क्या होता है, वी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, पढ़ा था ना 10th में, वी इज इक्वल टू वी आई होता है। अगर आर के टर्म्स में, रेजिस्टेंस के टर्म्स में चाहिए तो पी इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, तो वी एज इट इज, यहाँ पे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्स सी। क्यू पता है वोल्टेज दी हुई होगी, एक्स सी आ जाएगा, एक्स सी से सी आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ तो ज्यादा क्लियर। इन दिस दिस सेट वोल्टेज कितनी है, 30 वोल्ट, या फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्स। तो अभी हमें फैक्ट्री का लोड कैलकुलेट करना है, अलग अलग लोड दे दिया कि इतना ये है, इतना ये है, इतना ये, तो तीन है तो तीन पावर ट्राइंगल बना लें। तीन पावर ट्राइंगल में, फर्स्ट पावर ट्राइंगल में पावर कितनी है, 2 किलोवाट, राइट? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्टिव पावर होती है 2 किलोवाट, और अगर एक्टिव पावर ये है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या होगा, कॉस फाई इज इक्वल टू 1, करेक्ट? तो इस केस में कॉस फाई की वैल्यू 1 है। सेकेंड केस में एक्टिव पावर कितनी है, 1.2 किलोवाट, और कॉस फाई कितना दिया हुआ है, 0.6, करेक्ट? थर्ड केस में लोड कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोवाट, और पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.8। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, पी पता है तुम्हें, यहाँ पे भी पी पता है, पी पता है, तो यहाँ का तुम्हें क्यू निकालना है, देन क्यू क्यू, फिर इन सब का क्या निकालना है, एस रहने दो, एस एस का, पी और क्यू निकाल के फिर कंबाइन कर दो, कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, टोटल एक्टिव पावर आ गई। देन इट वुड बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल रिएक्टिव पावर आ गई। क्यू तुमने कुछ भी नहीं बोला, क्यू यहाँ पे थोड़ा ना होता है, क्यू पे होता है पावर, वहाँ पे क्या होता है, एपरेंट पावर हाइपोटेन्यूस में, राइट? तो बेसिकली क्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल रिएक्टिव पावर आ गई, राइट?
अब हमें क्या चाहिए, एस। एस कभी भी ऐसे नहीं निकालना, s1 + s2 + s3, वो गलत हो जाएगा। एस हमेशा क्या निकलेगा, रूट ऑफ टोटल पावर का स्क्वायर प्लस टोटल रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। तो ये देखो सॉल्व करके आया, टोटल एक्टिव पावर टोटल रिएक्टिव पावर। अब यहाँ से तुम्हें क्या निकालना होगा, टोटल अपेरेंट पावर चल जाएगा। ठीक है, नहीं रुक जाओ, ये था विदाउट इम्प्रूवमेंट। तो एक्टिव पावर कितना आ रहा है, 2 + 1.2, 3.2 + 1.5 तो 4.7, राइट। तो अब हम फिर से दो ट्राइंगल बनाएंगे, वन इज विदाउट इम्प्रूवमेंट, अभी तक हमने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं करी, वन इज विद इम्प्रूवमेंट। तो ये कितने आ रहा है, 4.7 kW, राइट। यहाँ से तुम्हारे पास Q आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास S आ जाएगा, तो cos5 भी आ जाएगा, P/S, राइट। वापस आ जाओ क्वेश्चन पे, व्हाट दे सेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू 0.9। तुम्हें पावर फैक्टर इम्प्रूव करके कितना लाना है, 0.9। तो विद विद इम्प्रूवमेंट के साथ cos5 कितना हो जाएगा, 0.9। पावर इसके भी कितनी हो गई, 4.7। ये पता है, ये पता है, Q आ जाएगा, यहाँ का Q तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये Q1 है ये Q2 है, दोनों को माइनस कर दो, दैट इज Q1 - Q2 इज इक्वल टू V² / Xe। वोल्टेज भी इन्होंने दिया हुआ है 230 वोल्ट, वोल्टेज इज 230 वोल्ट का स्क्वायर, Xe वी नीड टू फाइंड आउट, और यहाँ से Q1 - Q2 भी आ जाएगा। Xc आ गया, तो Xc का फॉर्मूला इज 1/2 πfc, फ्रीक्वेंसी भी पता है तो C आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, कैलकुलेट द टोटल एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर अपेरेंट पावर। टोटल एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर ये वाला पूछ रहा है विदाउट इम्प्रूवमेंट का, राइट। एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर अपेरेंट पावर सेकेंड पार्ट में, हाँ यही है। ओके, ओवरऑल पावर फैक्टर हुआ है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मेकअप के एग्जाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के।